महादेव अन्नर रेड्डी ऑनलाइन सट्टा पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 लाख रुपए नगद किया जब्त। आरोपियों से 30 नग मोबाइल फोन, 10 लैपटॉप, 10 एटीएम जब्त, 275 से अधिक अकाउंट होल्ड कराकर 12 करोड़ 30 लाख रुपए किए गए सीज। विलासगुड़ी में मीडिया से बात करते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल एसपी के निर्देशानुसार ऑनलाइन सट्टा बेटिंग प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की जा रही है। इस तारतम्य में तारबहार थाना में पंजीबद्ध अपराध धारा 420 34 धारा 7 जुआ एक्ट, जिसमें फर्जी बैंक खाता खुलवाकर 50 करोड़ से अधिक रकम का ट्रांजैक्शन किया गया था। उक्त अपराध की विवेचना क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि घटना में प्रयुक्त बैंक खातों का प्रयोग ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक रेड्डी अन्ना में ऑनलाइन सट्टा खेलने की रकम लेन देन में किया गया है। फर्जी बैंक खाता खोलने के लिए सार्थक एवं क्षितिज स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले अपने जान पहचान वाले लोगों को शेयर ट्रेडिंग का कारण बताकर फर्जी बैंक खाता खुलवाते थे। बैंक रकम ट्रांजैक्शन में प्रयोग होने वाले आईडी, पासवर्ड, यूपीआईडी कार्ड आदि मुहैया कराने का कार्य करते थे। बैंक खाता खोलने में यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, आईडीएफसी के कर्मचारियों की भूमिका पाई गई। उन दुकानों में मोबाइल सिम अपडेट करते समय एक बार की बजाय दोबारा फिंगरप्रिंट स्कैनर कर लिया गया और दो बार फोटो खींचकर फर्जी सिम कार्ड चालू कर लिया गया। उक्त सिम कार्ड को महंगे दामों पर ऑनलाइन बेटिंग सट्टा खिलाने वालों को बेचते थे। इस मामले में पकड़े गए आरोपी रजत जैन बेंगलोर, क्षितिज भारद्वाज सरकंडा, बावी जाघव सिविल लाइन और कार्तिक विश्वकर्मा सरकंडा बिलासपुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इन खातों का उपयोग ऑनलाइन सट्टा में करते थे। ऐसे 24 अकाउंट की पहचान की गई है। इन फर्जी अकाउंट में यूपीआई चालू करने के लिए कुछ मोबाइल दुकान वालों से मिलकर फर्जी सिम अकाउंट से लिंक करते थे। महादेव ऐप प्लेटफॉर्म से संबंधित 600 वीआईपी मोबाइल नंबर की पहचान की गई है, जिनको डीएक्टिवेट कराया जाएगा। तारबहार थाने में कुछ समय पहले 420-34 का मामला कायम किया गया था, जिसमें बैंक में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के मामला सामने आया था। बाद में जब उसको ट्रेस किया गया तो पता चला कि बैंक के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज और कुछ अन्य लोगों के अकाउंट्स बनवा करके उनके नाम पे फर्जी दूसरे सिम से उनके अकाउंट्स लिंक करवा करके महादेव ऐप जो आईडी है उसका यूज करते हुए ऑनलाइन सट्टे के लिए अकाउंट्स का यूज किया जाता रहा है। जब इसको ट्रेस किया गया तो बहुत बड़ा मामला सामने आया है। लगभग 275 अकाउंट्स में 12 करोड़ 30 लाख रुपए जो ऑनलाइन सट्टा के उसको फ्रीज कराया गया है। 10 लाख रुपए सट्टा जो कैश है वो जब्त किया गया। 10 लैपटॉप और 30 मोबाइल फोन्स इन आरोपियों के साथ पास से गिरफ्तार किया गया। इसमें कुल आज चार आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक बैंगलोर में रहने वाला इनका एक प्रमुख संचालक भी है ऑनलाइन सट्टा का। इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे अन्य लोग शामिल हैं जिसकी बड़ी सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं हम लोग, विशेषकर बैंक कर्मचारी। 5 अलग अलग बैंकों के कर्मचारी, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक के और एक्सिस बैंक के जो लोग अकाउंट खुलवाते हैं उस रैंक के और कुछ उनके ऊपर के अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो अकाउंट्स खुलवा के ऑनलाइन गेमिंग के जो पूरा जो गेम है उसमें शामिल थे। इन सभी लोगों से कई राउंड्स हम लोगों ने पूछताछ किया है और कई के खिलाफ सबूत भी अब मिला, हम लोग को मिला है। इन सभी लोगों को हम लोग आने वाले समय में ऑनलाइन बेटिंग के जो इस अपराध में, बैंक फ्रॉड के अपराध में गिरफ्तार करेंगे। ये इसमें